शमशानों में इतनी रात्रि गए, एकदम से बिहार जहां भूत प्रेत जैसा माहौल हो, जहां अनजान व्यक्ति आने में कतराते हो, बड़े बड़े योद्धाओं के जहां हृदय कांप जाते हो, ऐसी शमशान भूमि में ऐ मुर्दा जलाने वाली औरत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं इस शमशान भूमि का नौकर हूं और तुमने मेरे बगैर पूछे, मेरी बगैर इजाजत के, बगैर कर और कफन दिए हुए कैसे जुर्रत की एक मुर्दे को जलाने की? तुम स्वयं एक मृतक बालक को लेकर के आई हो, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो, अनाथ हो? बोल, किसके कहने से चिता बनाई थी और किसके कहने से, किसकी आज्ञा के अनुसार इसमें अग्नि देने का काम कर रही हो? मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शमशान भूमि के कुछ नियम कुछ कानून कायदे होते। तो फिर क्या जानती थी तू, और क्यों चली आई शमशान भूमि में? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मुझ दुखिया का एक लौता लाल अपनी माँ को छोड़ के चला गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तुम पूछते हो कि क्या मेरा पति नहीं है, क्या मैं विधवा हूँ? हाँ। तो मेरी किस्मत ने ऐसा खेल खेला है मेरे साथ कि आप सब कुछ जानते हुए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, अपनी आंखों से देखिए, मैं कोई गैर स्त्री नहीं हूँ महाराज, बल्कि तुम्हारी अपनी पत्नी तारा हूँ महाराज, तुम्हारी पत्नी तारा हूँ। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है, ये भी किसी गैर की नहीं है महाराज, तुम्हारे इकलौते पुत्र रोहतास की लाश है महाराज, तुम्हारे पुत्र की लाश है, तुम्हारे पुत्र की लाश है महाराज। ए औरत, ये तुमने क्या कह डाला? क्या तुम यह नहीं जानती कि दुनिया में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है? और जो तूने अपने सिर लगाया है, अरे कह दे कि तू मेरी पत्नी नहीं है, और ये भी कह दे कि मरने वाला मेरा बेटा नहीं किसी और का है, कह दे कि ये झूठ है। काश ये झूठ होता, लेकिन यही सत्य है महाराज, यही सच है। क्या तुम मेरी पत्नी तारा हो? जी महाराज। और क्या यह भी सच है कि मरने वाला मृत सैया पे पड़ा हुआ मेरा जिगर का टुकड़ा रोहतास है? जी महाराज, ये सच है। ओ विधाता, क्या देख रहा हूं मैं, सोते हुए कोई ख्वाब का आलम है, या फिर यह सच है कि मेरे सामने मेरी प्यारी तारा खड़ी है? क्या यह भी सच है कि मेरे सामने मेरे अकेले पुत्र की लाश पड़ी है? और अगर यही सच्चाई है तो ला मुझे 125 रुपया मुर्दे का कफन दे तारा, ताकि मैं अपने रोहतास को अपने हाथों से फूंक दूं, अपने वंश की निशानी को मिटा डालूं, अपने दीपक के कुल के दीपक को बुझा डालूं, अपनी बेल को काट डालूं, ताकि इसमें आगे कोई फूल ना आ सके। ला 125 रुपया कफन दे। कैसी बात कर रहे हो महाराज, आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कपन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है, फिर मैं आपको ऐसे हालात में 100 रुपये और कपन कहां से लाके दूं महाराज, कहां से? अगर तेरे पास कर और कपन भी नहीं है, नहीं है महाराज, चली जाए यहां से, चली जाए यहां से, और बहा दे अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर, क्योंकि कर और कपन नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूका जा सकता। कैसे चली जाऊं और कैसे बहा दूं किसी नदी नाले के अंदर,
क्या मैं तुम्हारी पत्नी तारा नहीं रही महाराज? क्या ये तुम्हारा बेटा रोहतास नहीं रहा? इन सांसारिक बंधनों में अगर बांधने का प्रयत्न किया तो अपनी औकात भुला बैठूंगा और तुझे और तेरे इस बेटे को धक्के दे करके लात मार के बाहर निकाल दूंगा। चली जा। नहीं महाराज, चली जा यहां से। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी रानी सतसंगी हूँ, कहती ना घड़ा थवाऊं मिस रानी सतसंगी हूँ। हरीशचंद तेरी नजर में भंगी हूँ, ओ नारा चाना रहा हरीशचंद तेरी नजर में भंगी हूँ। वो समझ रही पियालाबे, समझ रही पियालाबे, हानी तेरी में, हानी तेरी। और घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। ये मृतक है, इसके अंदर जीव आत्मा रही नहीं, इसमें अगर सिर मारेगी तो तेरे सिर को ही चोट लगेगी, इसलिए जा। बेहतर यह है कि मेरे दिल को कलेश पहुंचे, ले जा अपने इस मृतक शरीर को, ले जा अपने इस मृतक बेटे को और चली जा मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जा। क्योंकि बतौर अमानत मैंने रोहतास को तुझे इसलिए दिया था कि तेरे पास रहेगा, कुछ विद्या अध्ययन करेगा और जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो विपदा के दिनों को काटते हुए, हमारी कंगाली को काटते हुए कुछ मेहनत मजदूरी करके हमें इस कर्ज से उऋण कर देगा। लेकिन तारा, तू अपने द्वारा दिया गया वचन नहीं भुला पाई। बता कैसे मेरे बेटे को मौत आ गई जब इस युग के अंदर बाप के सामने कोई बेटा नहीं मरता, तो
तो इस हरिया का, इस हरी संत का ही पुत्र क्यों मर गया? क्या कारण है? क्यों नहीं तू अपना वादा निभा पाई? बोल। ये सब मेरी किस्मत का खेल है महाराज। आज मुसीबत का वक्त आया तो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तुम कहते हो कि इसको कुछ भी कहने से कुछ भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तो बताइए मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? यही मेरा सहारा था इस जिंदगी को जीने का, लेकिन उस भगवान ने आज ये भी मेरा सहारा छीन लिया। तो बताइए महाराज मैं क्या करूं? आपको तो मुझ पे थोड़ा भी रहम नहीं आता, नहीं आता महाराज। पत्थर दिल बन गए हो। तकदीर रूठ गई, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, निर्भागन ऐसे हालातों में आपको 100 रुपये और कफन।
कहां से लाके दू महाराज, कहां से लाके दू, कहां से। ओ सुन मदनावत, यहां तक की कहानी तो तू अपने पति की देख ही चुकी है। मैं मानता हूं कि तेरे लाखों करोड़ों एहसान मेरे सिर पे हैं, तू मेरी अर्धांगिनी है और संभवतः वीर मर्द का जोड़ा उस परमात्मा ने इसीलिए बनाया होगा कि दुख सुख के साझीदार रहे। लेकिन मदनावत, जब यहां तक इस स्थिति को पहुंच गया, राज को ठोकर मार दी, राजसी वस्त्रों को उतार करके चला आया, काशी के बीच बाजार में अपने रोहतास को बेच दिया, तुझे बेच दिया, अपने शरीर को बेच दिया, मेरे और मेरे धर्म की खातिर जब बेटा भी मर गया, तो अब इस निरर्थक जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी एक मकसद है। ए दुनिया वालों, मैं अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र अपने पूर्वजों की सौगंध उठा करके एक व्रत लेता हूं, एक प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे सूर्य और चंद्रमा दोनों आपस में बदल जाए, चाहे प्रकृति अपने सारे नियमों को तोड़ दे, चाहे प्रलय होने से पहले महाप्रलय हो जाए, दुनिया के बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता है। ओ दुनिया वालों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है और ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर हरिश्चंद्र जीते जी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, चाहे एक रोहतास की जगह हजारों रोहतास क्यों ना मारे जाए। मैंने आज तक इस दुनिया में इतना पत्थर दिल पिता नहीं देखा महाराज, जितने पत्थर दिल आप बन चुके हो। लेकिन आप नहीं जान सकते कि एक माँ का दर्द क्या होता है। गोदी सुनी हुई कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा, सवार प्यारे कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा, सवार पे मगल किया कठी आलियो ले जाचीर मेरा, चाकरे को दे दूंगा के इस पैसा दासीर मेरा, राजा काले को दे दूंगा के इस पैसा दासीर मेरा, कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी, घाट पे समझ क्या सारी वो कहानी तेरी, कहानी तेरी में चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में हर रानी तेरी अपने मुंह से मत निकाल तारा। तारा जीते जी क्यों मारना चाहती है? हे विद्वान श्रोताओ,
ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने एक बात कही है, ये जो हवन की वेदी पर बैठ करके सात जो फेरे लिए जाते हैं जिससे हम शादी के बंधन में बंधते हैं, जिसे पाणि ग्रहण संस्कार कहा गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, उसमें एक मतलब होता है, एक शर्त होती है, कंडीशन होती है कि आज और आज के बाद तेरी तेरी इज्जत की रक्षा मैं करूंगा, यह प्रतिज्ञा करता हूं। और हे तारा, अगर मेरे जीते जी तू नंगे सिर से फिरेगी। और हे सजनों, ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीते जी अगर उसकी पत्नी नंगे सिर फिरे तो उसे कहीं डूब के मर जाना चाहिए, उसे जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता। मित्रों, हे महाराज, महारानी, आपने तो कहा है कि आपको 100 रुपये और कफन चाहिए, तो आप तो देख रहे हो मेरे पास इसके सिवा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जाइए महाराज, मेरी ये सुहाग की आखिरी निशानी, मेरे गले की कंठी और मेरे सर का ये फटा चीर ले जाइए महाराज, और अपना फर्ज निभाइए, जाइए महाराज। अगर किस्मत को यही मंजूर है तो रानी, तथास्तु। ये अभागा हरिश्चंद यह भी करने के लिए तैयार है, लेकिन रे मालिक, जैसी मेरी परीक्षा कर रहा है, जमाने में किसी की ऐसी परीक्षा मत करना। तेरे धर्म के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, मैं तेरे रास्ते पर चला तो तूने क्या कुछ नहीं दिखा दिया। किसी ने सच ही तो कहा है कि क्या रस्क किसी की किस्मत का, और क्या किसी से हमने कहना है। अरे यह तो अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना लहना है। निर्भागों की तकदीर कहां जो टकराए मुकद्दर वालों से, और किस्मत वाले सुख भोगेंगे हमको तो दुखी सहना है, किस्मत वाले सुख भोगेंगे हमको तो दुखी सहना। कह दे अपनी बात। स्वरे उसी ढाल रही है तू, जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ढाल रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, इब ते दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करने, हर दम शीश झुकइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जे करने, हर दम शीश झुकइए तू। हो गुरु शरण चाहूं सेवा, हो गुरु शरण चाहूं सेवा, ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी समझ क्या सारी कहानी तेरी, कहानी तेरी मैं, चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी